ये है वक्त मीडिया। बार एसोसिएशन कादीपुर द्वारा अधिवक्ता दिवस के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए 3 दिसंबर 2019 को कादीपुर जिला सुल्तानपुर में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। इससे पहले कि आप इस प्रोग्राम का वीडियो देखें नॉन स्टॉप 30 सेकंड में ये जान लीजिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। हमारा मकसद अपने देश की, अपने कादीपुर की जनता को जागरूक करने के लिए गौ सेवा, बेटियों की रक्षा, उनकी शिक्षा और कौमी एकता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। ये देश हमारे कादीपुर की जनता ने कवियों और शायरों की बातों को सुनकर उसका लाभ उठाया। और अब एक शायरा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। कभी हजरत अमीर खुसरो ने कहा था कि कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। और मोहब्बत के जज्बे की कहानी ऐसे भी बयान की जाती है, मुझे कहने दें तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है इश्क। ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। और आज के जमाने की मोहब्बत, आपको बता रहा हूं, आज की नई नस्ल कितनी तेज हो गई है। पत्रकार साथी भी इस बात को नोट कर लें, आज के लोग मोहब्बत इस अंदाज से कर रहे हैं कि तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तो ये मोहब्बत का नया स्टाइल है, इसे कबूल कीजिए। तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। इन लड़कियों की मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दियों में भी अपनी फैशन दिखाने के चक्कर में बेचारी सर्दी में ठिठुरती रहती हैं। उसके बाद भी, क्योंकि इन्होंने जो महंगा सा सूट खरीदा होता है उसे दिखाना इनकी मजबूरी होती है। मैं बताना चाहता हूं कि इस खूबसूरत सी महफिल में आइए सुल्तान जहां को आवाज दी जाए और उनसे कहा जाए कि वो आए इस माइक पर आकर अपने कविताओं, अपनी गजल और गीत के जरिए इस महफिल को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दें। आपकी तालियों की गूंज में सुल्तान जहां से मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से नवाजें। सामाइन हजरात, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब तरह के लोग बैठे हैं। मैं आज पहली बार यहाँ हाजिर हुई। सुल्तान जहां, जय हिंद वाले भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी हैं यहाँ, तो जय हिंद भी करो वरना मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस यूपी के इन दिनों बहुत गुस्से में चल रही है, इस बात का ख्याल रहे। जी जी बिल्कुल, इस चीज का ख्याल रहेगा मुझे। हजरात बहुत ही खामोशी के साथ सुन रहे हैं आप, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतना खूबसूरत मुशायरा कवि सम्मेलन सजा है और आप इतनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, ये गलत बात है। मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ और आपसे जुड़ती हूँ, देखते हैं आपके यहाँ के लोग कैसे सुनते हैं। सुनेगा जी। तुम्हारा दिल दुखाने की हिमाकत हम नहीं करते। अच्छा। तुम्हारा दिल दुखाने की हिमाकत हम नहीं करते, ये किसने कह दिया तुमसे मोहब्बत हम नहीं करते। तुम्हारा तुम्हारा दिल दुखाने की हिमाकत हम नहीं करते, ये किसने कह दिया तुमसे मोहब्बत हम नहीं करते। और तुम्हें इससे बड़ी क्या मैं मोहब्बत की जमानत दूं। ओहो। तुम्हें इससे बड़ी क्या मैं मोहब्बत की जमानत दूं, तुम्हारे जुल्म सहकर भी शिकायत हम नहीं करते। भाई वाह 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 वाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हारे जुल्म सहकर भी शिकायत हम नहीं करते। हजरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ सुन रहे हैं आप। मैं एक मतलब दो शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ये इसी तरह की शायरी की वजह से सीओ साहब बैठे हैं, इसी तरह की शायरी की वजह से हम मर्दों पे जो है वो घरेलू हिंसा के मुकदमे लिख दिए जाते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि तुम्हारा जुल्म सहकर भी शिकायत हम नहीं करते। बताओ क्या जुल्म कर रहे हैं हम, सारी तनख्वाह ले जाके तुम्हारे पर्स में रख दें, फिर खुद मांग मांग के पूरा महीना काम चलाएं, उसके बाद भी जुल्म। यार ताली बजा दो एक बार, मर्द इसीलिए मर्द। जी बहुत ही ये हमारी खुशनसीबी है कि नदीम फर्रुख साहब के निजामत में हमें पढ़ने का मौका मिला। मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जी जी, कुछ कहा जा रहा है उधर शायद। जी जी, मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, वाह। जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, प्यार को अपने आम कर दूंगी। जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, प्यार को अपने आम कर दूंगी। मुझको धोखा अगर दिया तूने, मुझको ये बिल्कुल 21वीं सदी की औरत है, बिल्कुल अब समझ में आ गया मेरे। और मैं भाई साहब चचा आपसे भी कह रहा हूँ, जरा पलक वलक झपक लो बीच में, कभी कभी ऐसा होता है आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बहुत देर तक पलक ना झपको तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तो जरा सा पलक वलक झपक। जी मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा। जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी, प्यार को अपने आम कर दूंगी। मुझको धोखा अगर दिया तूने, तेरा जीना हराम कर दूंगी। और ये दो मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। चार दिन साथ तो रहो मेरे, चार दिन साथ तो रहो, चार मेरे। खूबसूरती से सुना आप लोगों ने, मैं एक गीत हाजिर करूं अगर इजाजत हो तो। पढ़िए पढ़िए। नहीं नहीं कोई आपके लिए क्या दिक्कत होगी, आप सबसे ज्यादा दिक्कत तो हम ही लोगों के लिए, आप समझ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप में और हम जैसे शायरों कवियों में बड़ा फर्क है, हम लोग आकाशवाणी है, आप लोग दूरदर्शन है, आप हमें लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, आपको सुनने और देखने दोनों के लिए आते हैं। और वैसे भी आजकल तो आप कलर्स टीवी हो रही है, मतलब और दूरदर्शन से भी आगे वाला मामला है, तो ये चीज है, आपके लिए कोई परेशानी नहीं, आप पढ़ती जाइए। जी मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, बेवफाई का कोई जेंडर नहीं होता, लड़की भी बेवफा हो सकती है और लड़का भी बेवफा हो सकता है। मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ। क्या पढ़ी लिखी बात कही है तुमने? जी मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मांगा मांगा तुझसे प्यार कोई खैरात नहीं, मांगा मांगा तुझसे प्यार कोई खैरात नहीं, चाहूं तुझको मैं ये तेरी औकात नहीं। सुनिएगा। मांगा तुझसे प्यार कोई खैरात नहीं, चाहूं तुझको मैं ये तेरी औकात नहीं। रोऊं तड़पूं प्यार में तेरे मर जाऊं, रोऊं तड़पूं प्यार में तेरे मर जाऊं,
इतने भी बुरे मेरी जान मेरे हालात नहीं। मैं एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जी जी, पढ़िए पढ़िए। हुई मैं तुझ पे कुर्बान, हुई मैं तुझ पे कुर्बान, जरा मेरे पास तो आ। हुई मैं तुझ पे कुर्बान, जरा मेरे पास तो आ, जरा मेरे पास तो आ, जरा मेरे पास तो आ, जरा मेरे पास तो आ। होगा ये तेरा एहसान, जरा मेरे पास तो आ। सुनेगा। अच्छा। मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कहने से डरती हूँ। मैं व्हाट्सएप पे तेरा डीपी हर घंटे देखा करती हूँ। आपकी बात कर रही हूँ। मेरा तुझ पे है सारा ध्यान, जरा मेरे पास तो आ। होगा ये तेरा एहसान, जरा मेरे पास तो आ। और आखिर में बस एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। और मैं चाहती हूँ इस गजल पे आप मेरे साथ ताल से ताल मिलाएं, मुझे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। ना अमरीका ना लंदन, ना अमरीका ना लंदन, ओए ना पाकिस्तान लिखते हैं। ना अमरीका ना लंदन, ओए ना पाकिस्तान लिखते हैं। ये मिट्टी सब की धड़कन है, इसे हम जान लिखते हैं। और आखिर में एक शेर और सुनेगा। मेरा भारत है जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत, और मेरा भारत है जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत, और वो पागल है जो इसको जंग का मैदान लिखते हैं। वो पागल है जो इसको जंग का मैदान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए देखिए, मैं बिल्कुल सबको सुनवाऊंगा, और इतने ज्यादा लोग भी नहीं है कि आपको सुनने में बहुत ज्यादा समय लगे। मैं चाहता हूं कि सबको सुनने का आपको मौका मिले, लेकिन मामला यह है कि अगर इसे फरमाइशी प्रोग्राम की तरह चलाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कवि सम्मेलन मुशायरे में एक मुझे एक तरतीब एक बना के चलनी है कि ताकि सबको आप अच्छे से सुने। और अब सुल्तान जहां ने जहां बात छोड़ी है, मुझे वहीं से बात को आगे बढ़ाना है। इन्होंने पहले बड़ा खतरनाक सा गीत पढ़ा, उसमें ये कह रही थी कि साहब आप मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। अब बताइए, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमें मालूम है कि रोमियो स्क्वाड के क्या क्या मामले हैं, क्या क्या किस किस तरह से वो अपना काम करते हैं, तो हम ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक अच्छा गीत पढ़ना शुरू किया जिसमें
इस देश की मिट्टी का जिक्र था, इस देश से मोहब्बत करने का जिक्र था, उस इश्क का जिक्र था जो हमारा सच्चा इश्क है। इस इश्क के बारे में जब इन्होंने अपनी बात कही तो आपने उनका भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया, उनका साथ दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब